हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर एक अच्छे भले इंसान को एंजाइटी कैसे अपना शिकार बना लेती है। कई बार क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान की लाइफ में कुछ बचपन से ही प्रॉब्लम हो या कोई इंसान नेगेटिव सोचने वाला ही हो, बस वो इंसान अच्छी तरीके से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, मजे मस्ती कर रहा होता है, थोड़ी थोड़ी लापरवाहियाँ भी चल रही होती हैं, कोई इफेक्ट नहीं आता, जैसे जंक फूड भी चल रहा होता है, लेट नाइट पार्टीज़ भी चल रही होती हैं, वर्क का प्रेशर भी चल रहा होता है, फैमिली के साथ नोकझोंक भी चल रही होती है, लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल रेंज में होती है, कोई भी प्रॉब्लम सालों तक आती ही नहीं है। फिर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से एक अच्छा भला आदमी जिस तरीके से अपना लाइफस्टाइल जी रहा था, उसकी लाइफस्टाइल में भी ऐसे कोई बहुत बड़े मेजर चेंजेस नहीं आए जो ड्रास्टिक चेंजेस कहे जाएं और उसको ब्लेम कर दिया जाए कि इसकी वजह से भाई तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, आपको ना एंग्जाइटी का शिकार हो गए हो आप। ऐसे कोई चेंजेस भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी उस इंसान को एंग्जाइटी के सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होने लग गए हैं। ऐसा क्यों होता है? बात थोड़ी सी डीप है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, आप जिस भी तरीके का लाइफस्टाइल जीते हैं उससे आपकी बॉडी एंड माइंड हर दिन कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं, और फिर जब आप अपनी कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस करते हैं, कुछ आदतों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, कुछ नई आदतों को अपना लेते हैं, आप जिस भी तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, जिस भी तरीके का थॉट प्रोसेस, जिस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, जिस तरीके के टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, ये सभी कुछ आपको धीरे 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 बदल रहा होता है। एक इंसान का शरीर और मन कभी भी एक जैसा नहीं होता, मन की और शरीर की दोनों की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। आप खुद देखिए, अपना 10 साल पुराना फोटो देखिए, तो आप अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस करेंगे। अपने बॉडी की एनर्जी में देख लीजिए, आप अपने और किसी भी चीज़ में, किसी भी फंक्शनिंग में, बॉडी के लेवल पर, माइंड के लेवल पर, आप अपनी सोच देखिए, अपने आप ही जीवन के अनुभवों से बदल जाती है। कई बार कुछ इस तरीके के मेजर एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे सडनली वो एक बिलीफ टूट जाता है। अब बहुत सारे चेंजेस लगातार हो रहे होते हैं, तो माइनर चेंजेस एक्चुअली डे टू डे होते हैं तो पता नहीं चलता। जैसे आप जिन परिवार के लोगों के साथ रहते हैं तो उनको आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं तो कई बार वो आपका ऐसा नेचर है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं या उन्हें इतना फ़र्क नहीं लगता। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ दिनों बाद किसी इंसान से मिलते हैं तो कभी आपकी अपीयरेंस को लेकर वो बोलता है, अरे भाई आप तो थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है या पतले लग रहे हो, मतलब वो नोटिस कर लेते हैं आपके अंदर वो चेंजेस, क्योंकि वो रोज़ आपको देख नहीं रहे, वो हैबिचुअल नहीं है। लेकिन जो साथ रहने वाले हैं वो इस तरीके के चेंजेस को आसानी से नोटिस नहीं करते हैं। तो हमें ये समझना है कि वो चेंजेस जो हमारे शरीर और मन के स्तर पर लगातार चल रहे हैं, बस हमें उसी के लिए डे टू डे अवेयर रहना होता है। अब ये जो एक केस है, ये 42 साल के एक ऐसे इंसान का है जो मतलब अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक, अपने 35 सालों तक काफ़ी बैलेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश करते आए हैं। कभी अप एंड डाउन चलता रहा, लेकिन समहाउ इनको कोई भी किसी भी तरीके का कोई सिम्टम कभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, चाहे इन्होंने रात को 11 बजे चाय पी ली हो या इन्होंने कभी मीटिंग से आकर लेट भाई कहीं बाहर से आकर रात को 2 बजे खाना खाया हो, सुबह कभी देर से उठे हो या कभी किसी रात सोए ना हो, कई कई टाइम तक दिनों तक अपने काम में बिजी रहे हो, पैसिव लाइफस्टाइल भी थोड़ा बहुत चल रहा था, तो तब भी इनको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई, एकदम हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आ रहे थे। क्योंकि शरीर हमारा शुरुआत में बड़ा नया होता है, उसके अंदर किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आप अपने लाइफस्टाइल के लेवल पर, अपने सोच विचार के लेवल पर थोड़ा स्ट्रेस लेकर ये सब गलतियाँ कर रहे होते हैं, तो शुरुआत में कुछ सालों तक किसी किसी इंसान को लक्षण आते नहीं हैं, क्योंकि शायद उनके अंदर का जो सिस्टम है वो उन्हें सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद एकदम से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब वो जब एकदम से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं तो एक इंसान के मन में सबसे पहले जो आता है वो आता है कन्फ्यूजन। ऐसा कैसे हो सकता है जब मैं इतने सालों से मैं तो यही सेम रूटीन करता आ रहा हूँ, काफ़ी बैलेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं कभी रात को 2 बजे खाना खाता हूँ और मुझे सुबह हैवी लगता है तो मैं उस दिन खाना नहीं खाता, कभी लगता है कि मेरे पर ज़्यादा बर्डन आ रहा है तो मैडम मैं एक हफ्ते की छुट्टी करके हॉलीडे पे चला जाता हूँ, तो इस तरीके से एक इंसान काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर
एक ऐसा कहा जाएगा कि आज के जैसे लाइफस्टाइल भाग दौड़ भरी जिंदगी है, तो उसमें काफी हद तक बैलेंस मेंटेन करने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने 35 क्रॉस किया, उसके बाद उनको कुछ ना आने लगे। जैसे सबसे पहले शरीर में एक थकान सी रहती थी, मन चिड़चिड़ा सा रहने लगा, वो जो काम थोड़ा सा मतलब पहले एक ऐसा था स्ट्रेस की तरह काम कर रहे थे, अब वही काम ऐसा लगने लगा कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस नहीं तो बढ़ने बोझ है मेरे सर पर। मतलब ज्यादातर बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को भी टालना शुरू कर दिया, बीवी को भी टालना शुरू कर दिया कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग मार्केट चले जाओ, तुम लोग मूवी चले जाओ, इस तरीके से। तो वो जब धीरे धीरे इस तरीके के हल्के फुल्के लक्षण आए और साल भर के अंदर अंदर उनकी नींद पर अटैक हो गया, उनको बिस्तर में लेटने के बाद 1-1 घंटे तक नींद नहीं आना, परेशानी होना, नींद आना भी तो कच्ची पक्की नींद आना, सुबह उठें तो वो सिकनेस से फील होना, कई बार उठते ही चक्कर से महसूस होना, ये सब होने लगा। सारे टेस्ट कराए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था, ऐसा कुछ भी अभी किसी ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं आया था। तो वही सब चीज़ें उनके दिमाग में चलने लगी कि भाई क्या हो रहा है, शायद डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है। जो जनरल आदमी ऐसे ही सोचता है कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी एक अच्छा भला इंसान जो 35 साल तक बिल्कुल ठीक से चल रहा था, उसको इस तरीके के लक्षण आने लगे। और आप ये देखिए कि उनको मतलब 36-37 साल के लगभग ही ये पता चल गया था कि फिजिकल कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ और लेवल पर गड़बड़ है, या तो डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ लोग उनको बोलते थे कहीं तेरे दिमाग की सोच और कुछ नहीं है। बट इस चीज़ को एक्सेप्ट करते करते और कई सारे स्ट्रेच कर दिया, और जब बिल्कुल ही नींद गायब हो गई कि घंटे या 2-1.5 घंटे के लिए, कई बार बहुत मेहरबानी हुई तो 3 घंटे के लिए नींद आ गई, जब ये नौबत आ गई और एक घबराहट सी सीने में, एक थुक थुक सी एक बनने लगी लगातार से, और वो कभी पेट में एकदम से कुछ हो जाना, एकदम डायरिया फील होना, इस तरीके के जब ऐसे लक्षण होने लगे कि मीटिंग के बीच में भी ये सब होने लग गया, तब जाके एक अवेयरनेस आई कि इतने सालों तक भी कभी गोली के सहारे, कभी किसी चीज़ के सहारे, कभी योगा ट्राई कर लिया, कभी जिम ट्राई कर लिया, कभी कोई मेडिटेशन कर लिया, मतलब सब कुछ इरेगुलर वे में और अपने वे में, अपनी डेफिनेशन में बैलेंसिंग मेंटेन करते हुए जब इतने साल निकाल दिए, तो पता चला कि भाई फाइनली वो तो एंग्जाइटी का शिकार हो गए हैं। अब मैं बताती हूँ कि क्या गलतियाँ करी उन्होंने। उन्होंने गलतियाँ करी, पहली बात कि जब भी उनको कोई भी लक्षण आता है, शरीर और मन हर समय बदलता रहता है, शरीर और मन को लक्षण इसीलिए प्रदर्शित करने पड़ते हैं आपके सामने ताकि आप अवेयर हो सकें। तो अगर आपकी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल सिम्टम आ रहा है, अगर आपको मेंटल कोई भी सिम्टम आ रहा है, तो इग्नोर करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि वो आया तो बेचारा आपकी फ्रेंड की तरह है आपको बताने के लिए कि भाई अंदर ये सुधार करने की जरूरत है, और आप उसे या तो दबाने की कोशिश कर रहे हो। अब आप किसी की सच्ची बात को दबाने की कोशिश करोगे तो वो तो और उछलेगा। तो ऐसे ही जब आप सिम्टम को दबाने की कोशिश करते हो या उसे इग्नोर करते हो, तो दोनों ही केसेस में आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्तियां बढ़ाकर आएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसे बनाया है आपको एक मैसेज डिलीवर करने के लिए कि इसको जाकर, ये इंसान मुझे प्रिय है, मेरी क्रिएशन है, इसे जाकर मैसेज देकर आओ कि भाई ये प्रॉब्लम हो चल रही है उसके लेवल पर, लेकिन आपने सुना नहीं। तो प्रकृति से पंगे लेना बहुत बड़ा पाप है। तो आपको सिम्टम को सुनना होता है, जो भी सिम्टम को सुनता नहीं है, उस पर फिर ध्यान नहीं देता है, तो वो सफर करता है। जो दूसरी बड़ी गलती हो जाती है वो ये होता है कि मेंटल रिलेटेड जो भी कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पर इश्यूज होते हैं ना, हल्के में लेना, क्योंकि वो दिख नहीं रहे होते हैं, तो उनको आप हल्के में लेकर ना बेसिकली उन अपने साथ खिलवाड़ कर रहे होते हो। तो कभी भी आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज जो भी रिफ्लेक्ट हों, उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करनी है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि आपका माइंड पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और तो माइंड भी बॉडी का ही एक इनविजिबल पार्ट है, लेकिन वो इतना पावरफुल हो चुका है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये बाकी सब सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर यही कोई सिम्टम रिफ्लेक्ट कर रहा है, यही आपके कंट्रोल से बाहर आ गया, तो यही आपके लिए जो अंदर स्वर्ग भी बना सकता है, वही नर्क भी बना सकता है। तो आपको समझना है कि कभी भी कोई भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आपको, चाहे बॉडी फिटीक के रूप में, नींद ना आने के रूप में, या किसी भी तरीके से कोई पैल्पिटेशन, किसी भी और तरीके से आपको आ रहे हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, इरिटेशन हो रही है आपको, किसी भी रूप में अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको उनको इग्नोर करना, और जो आपका माइंड है उसके जो भी आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको लाइटली लेना, ये बहुत ही बड़ा गड़बड़ है। मतलब एक तो सिम्टम आया, दबाने की कोशिश करी, दूसरी गलती करी, उस चीज़ को बिल्कुल जब पता हो गया कि कंफर्म
कि ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो उस सिम्टम को लाइटली लेने की। अच्छा अच्छा बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिट हूँ बॉडी के लेवल से, अच्छा ऑर्गन वॉर्गन ठीक काम कर रहे हैं, ओ बहुत बढ़िया। यानी कि तो एक एंगजाइटी है, स्ट्रेस है। अरे किसको स्ट्रेस नहीं है, आज की तारीख में सबको स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज वेरी नॉर्मल, ये कहना और भी बड़ी गलती हो गई, गुनाह। जो तीसरी गलती आप खुद अपने आप से दोहराते हैं और जो दूसरे लोग आपको बोलते हैं, स्ट्रेस इज वेरी नेचुरल, वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन सी बात है भाई। आज किसकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, ये कह कह के ये माला जब जब के आपने स्ट्रेस को अपने लिए नॉर्मल बना दिया, जबकि आप ये भूल रहे हैं कि स्ट्रेस ही वो खतरनाक बीज है जो कभी एंजाइटी का, कभी डिप्रेशन का, कभी ओसीडी का, कभी किसी भी तरीके से बड़े डिसऑर्डर का रूप ले सकता है। वो बहरूपिया है कि किस रूप में आपके सामने आएगा आपको खुद नहीं पता। तो स्ट्रेस को नेचुरल कहना, स्ट्रेस को नॉर्मल कहना और उसे एक्सेप्ट कर लेना, गले लगा लेना और सेम ढर्रे पे अपनी जिंदगी को चलाते रहना, ये तीसरी बहुत बड़ी गलती हो रही होती है। स्ट्रेस कभी कभी लेने के लिए अंदर एक मैकेनिज्म प्रकृति ने बनाया था कि भाई कभी इमरजेंसी कंडीशन में थोड़ा वो आपके अंदर जो कॉर्टिसोल अडर्नल का रश आए, आप स्ट्रेस फील करें और आपके अंदर वो पावर सी फील करें और आप उस सिचुएशन को हैंडल कर दें। लेकिन आज एक्सटर्नल इतने सारे ट्रिगर्स हैं कि हर समय ही वो ट्रिगर हो रहा है, हर समय वो हो रहा है, तो भाई इसलिए थोड़ा ना बनाया था नेचर ने उसको कि आप हर समय ही फील करें। तो आपको ये समझना ही होगा कि स्ट्रेस नॉर्मल है, नेचुरल है, आज की तारीख में किसको नहीं है। ये सब अपने आप को तसल्ली देना, झूठी तसल्ली देना आप बंद कर दीजिए, अदरवाइज आप एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसने वाले हैं। चौथी जो बड़ी गलती होती है आज लोग करते हैं, क्यों वो इतना स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने टाइम को बड़ा वेस्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट लोगों का बड़ा पुअर है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो टाइम को इफेक्टिवली यूज करते हैं। और टाइम मैनेजमेंट के लिए माइंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रेगुलेट करती है, पूरा आपको कंट्रोल में करने की पावर रखती है। आप उसी सेंटर में नहीं रखते हैं। लोग जिम को प्रेफरेंस देते हैं, शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए वो सब करते हैं, लेकिन वो माइंड को काम रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, इसको कंट्रोल में रखने के लिए कुछ भी करने से बचते हैं। जैसे मेडिटेशन या फिर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गए, ये जो योगा आसन्स हो गए, ये या तो योगीज का कब्जा है इन पर या फिर बुढ़ापे की एक्टिविटीज़ हैं। ना तो ये बुढ़ापे की एक्टिविटीज़ है और ना ही कोई योगीज का इस पर कॉपीराइट है, और ना ही आप कोई साधु संन्यासी बन जाएंगे कि अगर आप कोई मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये कर लेंगे। ये जीवन की एक नेचुरल सी प्रक्रिया है, जैसे आप बाकी एक्टिविटीज़, नेसेसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इस माइंड की चंचलता को आपको कम रखने के लिए, इसको स्टेबल बनाने के लिए, इसे डिसिप्लिन का पट्टा पहनाने के लिए आपको मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अफर्मेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इस तरीके की अलग अलग इतनी सारी पावरफुल अवेलेबल हमारे पास एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, रोज़ाना प्रैक्टिस करना चाहिए। वरना ये जो अनस्टेबल माइंड है ये हेल क्रिएट कर सकता है आपके अंदर, क्योंकि जब ये बेकाबू हो जाता है तो इस पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक घोड़ा देखा ना, जब वो बेकाबू हो जाता है बिल्कुल, तो वो कितनी बार घुड़सवार को गिराता है, कितना घायल हो जाता है, बड़ी मुश्किल से काबू में आता है। और कई बार इस प्रोसेस में घुड़सवार इतनी बुरी तरीके से घायल हो जाता है कि वो दोबारा घोड़े पे चढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। तो आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। तो समय रहते ही इस पर आप काबू करें। ये बहुत बड़ी गलती होती है जब हम ये सोचते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लोगों के लिए, ये सब के लिए है, बच्चों से लेकर बड़े तक, ये हमारी जीवन शैली में होना ही होना चाहिए। और जो पांचवी सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं, आई नो एवरीथिंग सिंड्रोम से पीड़ित लोग। अरे इसमें क्या पता, ये तो मुझे पता ही है, ये तो हो ही जाएगा, पॉजिटिव सोचने से तो हो ही जाएगा, ये ऐसे ये भी, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसे, हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ हाँ हो जाएगा। मतलब अगर आपके घर वाले आपको कोई चीज समझा रहे हैं तो उसमें आपको अपना कॉन्शियस विजडम हर समय लगाकर इंटरफेयर करने की, दूसरे की बात को नीचे गिराने की कोई जरूरत नहीं होती। वरना आपके घर वाले ही बहुत अच्छे काउंसलर का रोल प्ले कर सकते हैं, आपको किसी प्रोफेशनल के पास एकदम से जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम अपने ईगो स्ट्रिक्ट पैटर्न में कि आई नो एवरीथिंग, मैं अपने आप कर लूंगा या मैं हैंडल कर लूंगा या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है या दूसरा मुझे कोई क्या ही समझाएगा और क्या बताएगा, इस चीज से अगर आप पीड़ित होते हैं तो बेसिकली आप अपना और बड़ा नुकसान कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि आपके आई नो एवरीथिंग वाले एटीट्यूड के बावजूद भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप सरेंडर क्यों नहीं कर देते?
आपको सरेंडर कर देना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, मुझे काफी नॉलेज है लेकिन फिर भी अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और समझ में भी आ रहा है तो मैं भी कर नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करो रोजाना एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से, प्यार से, मोटिवेशन से मेरी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। अगर आप दूसरों के लिए जेनरस होंगे, काइंड होंगे, तभी तो लोग आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे। अदरवाइज अगर आप ऐसे दौर में भी अकड़ अकड़ कर आएंगे तो वहां पर दूसरे लोगों को लगेगा अच्छा इसकी अकड़ तो कम हुई नहीं है, क्या सफर कर रहा है, तो सब नाटक चल रहा है, या आप अपने अंदर दबा कर बैठ जाएंगे, सप्रेस करेंगे और आप किसी को परेशान ना करने के एटीट्यूड से बताएंगे नहीं, तो वो अंदर रखने से भी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो ना तो ऐसे फेज में जब आप सफ़र कर रहे हैं अपने घर वालों पर अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकालिए और उनको किसी भी तरीके से इंसल्ट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ये करेंगे उनका सपोर्ट कम होता चला जाएगा। एक तो वैसे ही अभी भी अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए हमारे समाज में, और जिनको है वो भी आपसे डिसकनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपका बिहेवियर इतना ज़्यादा ख़राब होगा। तो अपने इश्यूज से आप परेशान हैं लेकिन इस टाइम पर घर वालों का और बड़ा आपको सपोर्ट चाहिए होता है, तो ऐसे में अपने आप को सौंप दीजिए। और अगर आपके घर वाले भी नहीं हेल्प कर पा रहे हैं तो देन इतने प्रोफेशनल्स हैं, आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। आप अपनी कंडीशन बिगाड़ने से पहले ही अपने आप को हील कर लीजिए, और आपको पता है आपके जो करंट प्रॉब्लम है वो तो हील हो ही जाएंगी। और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के प्रोसेस में बेसिकली आप स्किल्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका थेरेपिस्ट आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, जो टेक्निक सिखाते हैं, जिस तरीके से अपने इस माइंड को हैंडल करना सिखाते हैं, सिचुएशंस को डील करना सिखाते हैं, वो सारी ऐसे स्किल्स आपके अंदर आ जाती है, मतलब आप अपने खुद के थेरेपिस्ट बात के लिए बन जाते हैं। लाइफ में कोई भी थेरेपिस्ट आपका ये नहीं कर सकता कि मैं अब गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ में जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वो आपको वो स्किल जरूर दे देगा कि प्रॉब्लम चाहे कोई भी आए, ए आए, बी आए या जेड आए, भाई आप इस तरीके के स्किल से, अपने माइंड मैनेजमेंट से, आपके टाइम मैनेजमेंट से, अपने जो सेल्फ मैनेजमेंट है और किस तरीके का एक आइडियल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये सब अवेयरनेस स्किल्स आपको सिखाकर आपको खुद का थेरेपिस्ट बना देता है कि सिचुएशन कोई आई और आपको अफेक्ट करे बिना आपने आसानी से उसको जाने दिया। तो यही क्या कम बड़ी अचीवमेंट होती है लाइफ में कि आप प्रेजेंट प्रॉब्लम से बाहर भी आ गए और आगे के लिए अपना स्किल्ड भी हो गए, तो आपका डबल फायदा हो गया एक ही प्रोसेस में। तो आपको समझ रहे हैं कि अच्छे भली जिंदगी चलती हुई भी आपकी गलतियां एकदम से रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि जो मैंने आपको केस बताया सो उसमें जब उनको पता चला, अवेयर हुए, तब भी वो इस तरीके की गलती करते करते उन्होंने 36 साल के अपनी अवेयरनेस में 42 साल के उसमें जब बहुत ही ज्यादा सफर करने लगे तब होश लिया। और गलतियां क्या हो रही थी, अपने जो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था तो, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं था, उसमें जो लापरवाहियां हो रही थी उसको उस ना कवर में कवर लगा रहे थे कि नहीं मेरा तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, मेरा तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। जब डीप में बात हुई तो बड़ी सारी तमाम गलतियां कर रहे थे, बेसमय पर खाना खाना, कभी रात को जो है ना ज़्यादा जागना, कभी अपने काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, कभी यूरिन के प्रेशर को होल्ड करके रखना घंटों घंटों तक, तो बहुत सारी ऐसी तमाम, क्योंकि जब हम डिग करते हैं पूरे किसी भी क्लाइंट को तो हम पूरा उसके पूरे सारे के सारे साल जो है ना क्या कहते हैं इस तरीके से उनसे पूछते हैं कि भाई आपने क्या क्या किया, क्या क्या किया, पूरा डिटेल में उनसे इतनी क्वेश्चनिंग होती है सब, पता चल जाए कि कहाँ पे रूट कॉज है, क्या क्या है। जब उनका करेक्शन होता है प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और फिर आप में खुद में आपका स्किल डेवलप हो जाती है हैंडल करने के लिए। तो बेसिकली कभी भी कोई भी सिम्टम्स रिफ्लेक्ट हो तो फर्स्ट लेवल पर ही आप अवेयर हो जाइए, वरना एंग्जाइटी आपको इतनी बुरी तरीके से पकड़ लेगी कि आपकी ज़िंदगी खराब कर देगी। ये आपकी जान नहीं लेगी लेकिन ज़िंदगी नरक बना देती है जब ये एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अचानक से, जो आप लोग कहते हैं अचानक, अचानक नहीं होता, तिल तिल करके हो रहा होता है, तो वो कैसे एंग्जाइटी जो है ना बढ़ जाती है, और क्या क्या गलतियां करने से आपको बचना है, और टाइमली अपनी मतलब हेल्प या तो अपने फैमिली मेम्बर्स की या थेरेपिस्ट की हेल्प लेकर अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना है। इस वीडियो को आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हों, जो कोई भी ये गलती अभी भी कर रहा हो तो वो अवेयर हो जाए, क्योंकि समझिए बिना दवाइयों के ठीक होना बहुत ही आसान है, याद रखिएगा बिना दवाइयों के ठीक होना बहुत आसान है। और मुझे पता है कि आप भी मेरे मिशन से जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आप किस और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।